चलिए बच्चा अब बताइए वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। हमने टेक्निकल जिसो जो टेक्निकल हमारे टीम के सदस्य हैं उनसे हमने कहा कि वॉइस की प्रॉब्लम आ रही सभी बच्चों के सामने, तो अब बता दीजिए फटाफट आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि सभी लोगों ने हमसे ज्योग्राफी की क्लास अभी पढ़ी थी, ठीक है, तो अब हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले, ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होना, फटाफट जुड़ जाओ और फटाफट शेयर कर दो। अब आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, सभी लोग कह रहे हैं अब आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और फटाफट लोगों को शेयर कर दो दोस्तों और लाइक कर दो वीडियो को। चलिए सभी लोग कह रहे हैं कि आ रही है वॉइस, बहुत बढ़िया साथियों, सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। लच्छा ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपको पहली बार लाइव पढ़ाने जा रहा हूँ लच्छा ऑफिशियल पे, और जिस पे मैंने पहले लिख दिया वो पॉलिटी लाइव, मतलब जो भी ये क्लासेस होंगी पॉलिटी की वो होंगी लाइव, ठीक है। इसको मैं पढ़ाने स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू से, ये मान लीजिए बिल्कुल जीरो से लेकर इंड तक पढ़ाऊंगा इसको मैं, ठीक है, जीरो से लेकर बिल्कुल इंड तक पढ़ाऊंगा। केवल आप लोगों को क्या है बने रहना है और आपको अच्छे से कॉपी पेन ले लेना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप किस पे बनाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको नोट्स बनाने होंगे बच्चे ना वो बनाने होंगे आपको A4 पेपर पे, A4 पेपर ले लो और कॉपी, कॉपी की जरूरत तो है नहीं, पेन आप क्यों ले लो और फटाफट आ जाओ, मज़े से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। वॉइस भी क्लियर हो गई। अब एक बार मैं सबसे पहले आज जो लाइव क्लासेस लच्छ ऑफिशियल पे स्टार्ट हुई हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि लच्छ ऑफिशियल टीम द्वारा एक टाइम टेबल बनाया गया है कि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम थी, सर कंटिन्यू क्लास नहीं आ रही, मैम कंटिन्यू क्लास नहीं आ रही है। इस प्रॉब्लम को दूर करने में हम लोगों को यही वक्त लग रहा था कि लाइव सेशन किया जाए आपके साथ, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे पूरा का पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर और पूरा का पूरा लाइव सेशन किया जाए, इसीलिए टाइम लग रहा था। जो टाइम लगा उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब जो होगा वो एक बिल्कुल युद्ध होगा पढ़ाई के क्षेत्र में, सबसे हट के सबसे अलग, ठीक है। अब मैं कंप्यूटर जी से कहना चाहता हूँ कि वो टाइम टेबल लगा दें, तो बच्चों को सबसे पहले मैं टाइम टेबल बता दूं यहां पर कि टाइम टेबल जो है वो पढ़ना क्या है, तो टाइम टेबल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या हुआ टेक्निकल जी, अभी टाइम टेबल आपका नहीं आया? चलिए टाइम टेबल आ जाए, सबका टाइम टेबल मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों ने कम्युनिटी पर देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टाइम टेबल, जो पहले तो सबसे पहले लच्छ ऑफिशियल इंडियाज नंबर वन इंस्टीट्यूट, बिल्कुल करेक्ट बात है, और लच्छ ऑफिशियल के नाम से ऐप भी है जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो यहाँ पे फुल शेड्यूल बनाया गया लाइव क्लासेस, सारी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगी, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। जो आपको संडे की क्लास है, पहले तो सबसे पहली बात तो आपको पता यहां पर दिख ही रहा होगा कि इवनिंग में 7 बजे से क्लास होंगी, 7 PM पे आपको आना है डेली, ठीक है, 7 बजे क्लास होंगी। फटाफट लगा के शेयर कर दो यार, मजा आने वाला है, जीएस में तहलका मचेगा, ठीक है। इसमें आपको टाइम टेबल दिया गया, सबसे बड़ी चीज 7 डेज क्लासेस आपको मिलेंगी, एक भी दिन मिस नहीं है मामला, ठीक है। जिसमें संडे से शुरुआत आपको बताई गई हिंदी प्लस जीएस की, मंडे को बताया गया मैथ प्लस लूसेंट जीएस, लूसेंट जीएस जो निधि मैम के द्वारा पढ़ाई जाएगी, और जो हिंदी है वो अपूर्वा मैम द्वारा, और जीएस तो पता ही होगा मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और जो ट्यूजडे है वो ओनली मैथ्स, मंगलवार को केवल मैथ चलने वाली है, वेडनेसडे मैथ प्लस लूसेंट, थर्सडे ओनली हिंदी, फ्राइडे जीएस प्लस लूसेंट, और सैटरडे ओनली जीएस, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाया गया है, आप इससे किसी भी एग्जाम से एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो, चाहे जो एग्जाम हो, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग, सभी लोग जुड़ गए उम्मीद करते हैं, क्लास को स्टार्ट किया जाए बच्चों।
क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास जो हमारी आज चलने वाली है वो चलने वाली है पॉलिटी की, क्लियर बात। पॉलिटी की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत लोग कमेंट है सर रीजनिंग इंग्लिश, उसका भी बहुत जल्दी मैनेज किया जाएगा। आप पहले जितना बताया गया उतना आप पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त आप पढ़ेंगे यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी में। जैसा कि पॉलिटी में आपको बता दूं, जो आपको पॉलिटी में पढ़ना है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं पढ़ाऊंगा, एक भी चीज मिस नहीं होनी यहां पर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेके एक एक टर्म के बारे में बताऊंगा फटाफट सभी लोगों को। अगर मजा आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे दबा के। यस उदय पटेल सर, पॉलिटी क्लास डेली होगी। मैं आपको बता दूं उदय जी, जब भी पॉलिटी की क्लास तभी होगी जिस दिन जीएस का लाइव शेड्यूल है, ठीक है, उस दिन होगी। कमल गुर्जर कह रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ाना बंद किया क्यों? बच्चा पढ़ाएंगे, टाइम तो दो। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट जरा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये बैटरी लो है तो मात्र 5 सेकंड का है, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। जाइएगा कहीं नहीं, फटाफट आप शेयर करना है आपको, ठीक है, जाइएगा कहीं नहीं। फटाफट आ जाइए। देखिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी लोग बहुत ही जबरदस्त आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबको मैं दिख रहा हूंगा पुनः। स्टार्ट करते हैं क्लास को, सभी को मैं दिख रहा हूं ना। कमल गुर्जर कह रहे हैं सर आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। बेटा पॉलिटी भी आप पढ़ के देखो, आज स्टार्ट हो रही है, फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसी लगी आपको ज्योग्राफी। यार देख इतने लोग रहे हो, अपना लाइक बचा के क्यों रखे हो? अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो लाइक दे दो ना अपना। चलिए पॉलिटी की क्लास को मैं आपको बता दूं कहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं। ये स्टार्टिंग कर रहा हूं जो पॉलिटी, या इसको कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चाहे पॉलिटी कहिए आप चाहे इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहिए। पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कहते हैं संविधान, उसको कहते हैं संविधान। ये तो हो गए इंग्लिश हिंदी में टर्म। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है, हम लोग स्टार्ट कोट करने जा रहे हैं अच्छे से। तो इनका मतलब क्या है, तो राज व्यवस्था का मतलब क्या है, राज मतलब कहीं पर शासन, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो। जिन्होंने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी उनको पता होगा किसी भी देश में शासन कैसे किया जाएगा, यह हमें क्या बताता है, पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था, ठीक। अब किसी भी देश में रूलिंग करनी है, किसी भी देश में शासन करना है हमें, उसके लिए कोई ना कोई नियम बनाने होंगे। तो संविधान क्या है, संविधान एक प्रकार से क्या है, सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स, क्लियर है बात। आप कह सकते हो किसी भी देश में शासन जो होता है वो, उसके बारे में हम कहां पे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं राज व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन ये शासन करने के लिए भी तो हमें जरूरी होने चाहिए, क्या जरूरी होने चाहिए, रूल्स, नियम। पता लगे कि केवल शासन ही हो रहा और कोई नियम ना हो तो जो राजा होगा वो अपना केवल एक तरह से तो कह सकते हो वर्चस्व स्थापित कर रखा होगा कि वो किसी को भी सजा दे सकता है, किसी को भी मृत्युदंड दे दे, तो ये सब क्या हो जाएगा, उसकी मनमानी। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेट ऑफ रूल्स, नियम बना दिए गए। तो ये नियम किस लिए बनाए गए, शासन करने के लिए नियम बनाए गए, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अब यहीं पे देखते हैं हमें पढ़ना क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम ले लेते हैं, पहला प्रश्न तो यही आता है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का है। दूसरा प्रश्न क्या आता है, अपने यहां का संविधान कैसा संविधान है, वो है लिखित संविधान, क्लियर हो गई बात। फिर तीसरा प्रश्न क्या आता है, अपने यहां का संविधान कैसा है, आप बताओगे ना ही ज्यादा कठोर और ना ही ज्यादा मुलायम। तो
एक तरह से कर सकते हो, मतलब यहां पर ना ज्यादा ही किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सख्त कानून बनाए गए और ना ही किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा मुलायम, एक तरह से कह सकते हो कि उसको बिना सजा दिए बिना उसको दंड दिए उसको छोड़ दिया जाए, एक तरह से कह सकते हो। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े, वहां पर आंशिक शब्द मिलता है, तो आंशिक शब्द वाली यहां पर बात है। तो ठीक है, ये तो हो गई एक नॉर्मली विशेषता, पेपर में प्रश्न आ चुका है। ये आपका एमपी में एक बार पेपर हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, तो वहां पूछा गया था भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान ना ही ज्यादा कठोर है ना ही ज्यादा मुलायम है। क्लियर बात, सही बच्चों को मजा आएगी ना, सही बच्चे नोट्स बना के रखें, ठीक है, आप केवल पढ़ो मजा आएगा, ठीक है। कमेंट तो जरूर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप यहीं पे बात करता हूं आगे, आगे बात करता हूं कि पॉलिटी में आपको आगे क्या करना है। पॉलिटी में सबसे पहले कि कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के अगर इसकी बात करें संविधान के अंग, संविधान के अंग संविधान के अंग तो संविधान के अंग क्या क्या है मेन, तो देख लेते हैं। कंटेंस का मतलब अंग, तो तीन इन पे हमें वर्क करना है। क्या? एक हमें मेन देखना है भाग, और एक हमें देखना है अनुसूची, जिसको कहते हैं शेड्यूल, और एक हमें देखना है अनुच्छेद, जिसको कहते हैं आर्टिकल। भाग मतलब पार्ट, अनुसूची मतलब शेड्यूल, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। क्लियर हो गई बात, इन्हीं तीन चीजों पे हमें वर्क करना है। यही तीन चीजें अगर समझ गए तो आप समझो सब कुछ समझ जाएंगे। अगर मैं आपको बात बता दूं, देखो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं। तो संविधान को मैं आपको बता दूं, एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास एवं उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंब करती है। कहने मतलब है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मान लीजिए संविधान में ये कोई नियम या कानून बना दिए गए तो उस देश की जनता का विश्वास, जैसे मान लीजिए कि हमारे खिलाफ कोई एक तरह से कह सकते हो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है या हमारे खिलाफ कोई मार खूब शोषण कर रहा है, तो संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनसे जिनसे जनता का क्या होगा, विश्वास बना है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा तो संविधान में जो नियम है वो हमें क्या करेंगे, शोषण से सुरक्षा दिलाएंगे। क्लियर है बात, तो एक तरह से आप कह सकते हो संविधान क्या है, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो उस देश की जनता के विश्वास को क्या करती है, सुरक्षित रखती है, बनाए रखती है। क्लियर है बात, एवं उसकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। आकांक्षा मतलब इच्छा, कि मतलब क्या क्या हम काम कर सकते हैं, किस दायरे के अंतर्गत कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें। क्लियर है बात, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए रोहित सिंह कह रहे हैं क्लियर समझ में आ रहा, किसको नहीं समझ में आ रहा, सब लोग हिस्ट्री कह रहे हैं, हिस्ट्री का क्लास सर, बेटा जो पढ़ाया जाता है आप लोग वो नहीं पढ़ते हो, पता है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो नहीं पढ़ते हो। जब मैं बोल रहा हूं पॉलिटी आप स्टार्ट कर रहा हूं तो पॉलिटी आप पढ़िए शुरू से, नहीं पढ़ना है तो आप वहां से क्विट कर दीजिए, इतना आप ये क्यों कहते हैं सर ये सर वो। अरे बच्चा जो पढ़ाया जा रहा है वो आप समझिए तो, पहले आप देखिएगा तो कि पॉलिटी में है क्या, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आपको बता दूं 22 भाग, कितने भाग होते हैं 22, अनुच्छेद कितने 395, यहां पे बात कर लें अनुसूची मतलब शेड्यूल, तो शेड्यूल की बात कर लें वो है 12, ठीक। अगर ये ऐसे नहीं तो यहां पर आप लिख लो, यहां पे लिख लो आप 12 और यहां पे लिख लो आप 8। क्लियर हो गई बात, तो आपको पता चल गया संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, 395। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन है वर्तमान में, कि वर्तमान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं। क्लियर हो गई बात, फटाफट वीडियो को दबा के शेयर कर दो भाई। अनुसूची जो हमने ये 8 लिखा, 8 क्यों लिखा, क्योंकि पहले कितनी अनुसूचियां थी,
पहले कितनी थी? पहले थी 8। क्लियर बात? तो पहले से वर्तमान में क्या डिफरेंस आया? 4 अनुसूचियां क्या हुई? बढ़ गई। 4 अनुसूचियां क्या हो गई? बढ़ गई। अब सिंपल सी बात, हमने एक चीज बताई थी आपको बहुत अच्छी से कि संविधान में किसी भी चीज का जोड़ना या हटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है संशोधन, अमेंडमेंट। तो इन सारे टर्म को आप समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है संशोधन मतलब अमेंडमेंट। क्लियर हो गई बात? तो संशोधन क्या होता है? संविधान में किसी भी चीज का जुड़ना या हटना। क्लियर बात? याद रखिएगा। अब संशोधन कैसे, जब 8 अनुसूची पहले थी वर्तमान में 12 है, तो सिंपल सी बात, जो 9 नंबर की अनुसूची है, 10 नंबर की अनुसूची है, 11 नंबर की अनुसूची है और 12 नंबर की अनुसूची है, ये जो 4 अनुसूचियां हैं, सिंपल सी बात, कोई ना कोई अमेंडमेंट से तो आई ही होंगी। बिना अमेंडमेंट किए ये अनुसूचियां आ ही नहीं सकती बच्चा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आ रहा है ना? चलिए, आपको समझ में आना चाहिए बस। और हाँ, आप लोग फालतू के कमेंट नहीं करेंगे, शेयर करो और पढ़ाने दो हमें, ठीक है? जब ना समझ में आए वहां पे आप क्वेरी केवल पूछो। तो ये 4 अनुसूचियां किसी न किसी माध्यम से जुड़ी होंगी। तो जो नवी अनुसूची है वहां पे हमेशा ऐसे लिख के आता है कि नवी अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। इसका मतलब आप कभी समझे हो? देखो, पढ़ाई सब करते हो, अगर जीएस की बेसिक समझ जाओ ना, जीएस आपके खून में दौड़ेगी। आप इतना परेशान हो, ये क्लास वो क्लास, अरे पढ़ो तो ठीक से, नोट्स तो बनाओ एक बार। नवी अनुसूची जो जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951, यहां पे दो चीजों पे मैं बात करूंगा। एक यहां पे पहला शब्द लिखा हुआ है, पहला, और यहां पे एक लिखा है 1951। इसका मींस क्या है? इसका मतलब है कि ये जो नवी अनुसूची जोड़ी गई, ये जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से, और ये जो सन लिखा होता ना, इसका मतलब होता कब से ये प्रभावी हुई और कब ये संविधान में जोड़ा गया। तो बात आ गई, दो प्रश्न आप पकड़ोगे, नवी अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन से, कब जोड़ी गई? 1951 में। दूसरा प्रश्न यहां पर क्या आ जाए, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन किस सन में हुआ था आप बता दो खुद ही। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते ये सब समझ में आ रहा होगा। तो वही चीज बताना था हमें कि ये संशोधन का मतलब क्या है। तो आपको संशोधन का मतलब तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा क्या है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जो 10वीं अनुसूची है ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची ये जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1993। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर कहीं कहीं 92 आता है, कहीं कहीं 93 आता है, इसका क्या मतलब होता? तो समझिए, जैसे मान लीजिए आपने जब इंटर की परीक्षा का फॉर्म भरा, हाई स्कूल की मान लीजिए 2012 में, मान लीजिए आप कोई फॉर्म भरे, कब भरे ये? 2012 में जुलाई, ठीक, जुलाई में आपका हाई स्कूल स्टार्ट हो गया 2012 से। रिजल्ट कब आएगा ये? 2013 में, ठीक, 2013 में आएगा। कब आएगा? मई या जून में आएगा। तो जो आपका हाई स्कूल का प्रोसेस पूरा चला, वो आधा 12 भी चला, आधा 13 भी चला, एक तरह से कह सकते हो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में दोनों ईयर लगे ना। तो इसीलिए कहीं कहीं ऐसे लिख दिया जाता है जब आता है 2012-2013। तो वही वाला हाल यहां पर है कि जब अनुसूचियों का जो संशोधन है या कोई भी संशोधन है, तो उसमें 1992 या 93 डैश करके लिखा होता है। उसका मतलब है कि 92 में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी, 93 में क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वीडियो को शेयर कर दें, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है? समझ में आना चाहिए आपको बस, ठीक, आपको समझ में आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ने हैं वो आप यहां से जा सकते हैं, केवल मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सीरियसली। क्लियर हो गई बात? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया, इतना अच्छे से आ गया ना। आप समझो आगे, इतना अच्छे समझ में आ गया ना, ये तो कॉन्सेप्ट जो हमने बताया, तो समझाने के लिए कि जहां पर संशोधन लिखा होता है कि कहीं कहीं पर अलग अलग लिखा होता है, ठीक है? ये तो हमने इसलिए बताया, तो ये आप समझ में आ गया। अब यहां पे समझो, जो 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन नंबर है, और 1985 सन में क्या की गई थी? एडअप की थी,
क्लियर है बात, एड अप की गई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। तो ये आपको समझ में आ गया तो यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो ये 22 भाग हैं, ये मान कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए आपकी क्या है, एक बुक है। बच्चा आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, यहां से अगर प्रश्न आ गया ना कभी छूटेंगे नहीं, निशाना मारोगे खट से लगेगा। ठीक है, अभी तक आप हमसे पढ़ लेते रिकॉर्डेड वीडियो इंडियन ज्योग्राफी, अब आप पढ़ना चालू कर दिए जेएस में पॉलिटी, आप पॉलिटी एक बार पढ़ के देखो फिर बताना आप हमको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बस वीडियो को शेयर करना, और पूरा आज बस इतना कहना चाहता हूं, आज पूरी वीडियो आप देखो, मजा ना है तो बताना फिर। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक बुक है, जो ये भाग है ना ये आपके क्या है, ये आपके एक प्रकार के चैप्टर है। जब हम कोई बुक खोलते हैं तो उसके अंदर क्या निकलते हैं, चैप्टर निकलते हैं। चैप्टर के अंतर्गत ये क्या निकलते हैं, हर चैप्टर के अंतर्गत क्या होते हैं, हेडिंग होती है। तो अनुच्छेद एक प्रकार के क्या है, हेडिंग्स हैं। क्लियर बात, ये अलग से कुल पॉइंटर लगे हुए हैं, पॉइंटर ये। तो आप समझ गए, एक आपके पास बुक है, बुक में के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हेडिंग्स हैं। इतना पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, तब भी आप परेशान हो। ठीक है, सतानंद जी कह रहे हैं सर 100 लोग लाइव हैं, आप कितने बच्चों को जोड़ोगे, संतोष करिए इतने में। सतानंद हमारे साथ आप ही केवल पढ़ेंगे ना, तब भी हमारे लिए पर्याप्त है। आपको पढ़ना है तो आप रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आशीष कुमार मौर्य कह रहे हैं 7 PM से कब तक चलेगी, आप लोग पढ़ो तो ठीक से, मैं बहुत देर तक पढ़ाने वाला हूं, शुरुआत कर रहा हूं शुरुआत से। अगर आप चाहते हैं कि 20 से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो 20 से पढ़ो। हम चाहते हैं बच्चों को अच्छा मिले, लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं कि उनको बस हाँ पढ़ते रहें, कुछ मिल जाए पढ़ लें। अरे शुरू से पढ़ो, नोट्स बनाओ, तभी तो हमने कहा A4 पेपर लेके बैठ जाओ। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम संविधान में, संविधान हमारा बना कैसे, सबसे पहले बात हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास मतलब हमारा संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर बहुत अच्छे से कि संवैधानिक विकास समझने के लिए हमें थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का भी यहां पर नॉलेज हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। नीलू किशोर कह रहे सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, अरे बच्चा आप पढ़ते तो रहो डेली। और जो बच्चे ये फालतू के एक तरह कह सकते हो अफवाह फैलाते हैं ना, ये वो पढ़ने नहीं आते, वो केवल लाइव में कमेंट दबाना जानते हैं। अरे जिनको सच में पढ़ाई करनी, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो संवैधानिक विकास, वरना यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं। संवैधानिक विकास यहां पे पढ़ेंगे, संवैधानिक विकास को हम रिलेट करते हैं कि कैसे संविधान बना, कैसे डेवलप हुआ। बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं, एक तरह से कह सकते हो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो समझिए बहुत ध्यान से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले मैंने बताया ना, पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा कवर करेंगे यहां पर। तो मैं आपको बता दूं सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कहां पर हुई, ये हुई भारत में। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुई तो 1600 ईस्वी में इन मैडम का नाम था महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, तो उसको क्या किया इन्होंने, उसको इन्होंने ये किया कि 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की। बहुत ही ये मान लीजिए बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप हम पे भरोसा कर रहे हैं जीएस में तो पूरा भरोसा करो, अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं संवैधानिक विकास पॉलिटी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री यहां पे जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कैसे संविधान की कैसे सीढ़ियां बनी, कैसे विकास हुआ उसका। और कोई भी फालतू कमेंट मत करिएगा, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी। तो पूर्वी देश का मतलब समझते हो, कभी भी वर्ल्ड का जब आप मैप देखोगे ना, वर्ल्ड का मैप, तो वहां पर क्या होगा, जब आप इधर आपको दिखेगा इंडिया, यहां पर इंडोनेशिया, ये मान लीजिए आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, और यहां पर भी देश थे। तो मैं आपको बता दूं, और इधर के देश कैसे क्या हैं, जो नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पड़ते हैं यहां पर, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये सब पश्चिमी देश हैं, और ये सब कैसे देश हैं, ये सब पूर्वी देश हैं, और ये सब कैसे देश हैं, पश्चिमी। तो अब इंग्लैंड कहां था, पश्चिमी देश का भाग था। जब आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हो, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाली, और फिर उसके बाद आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे डेनिश, फिर आए थे फ्रांसीसी, और फिर आए थे स्वीडिश। ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये जो लोग थे ये यूरोपीय कंपनियों के आए थे, यूरोपीय देशों के निवासी थे, व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। इन्हीं में से ये जो थे अंग्रेज, ये डच के बाद आए जरूर, लेकिन डच के पहले कंपनी स्थापित की। तो याद रखिएगा, कंपनी स्थापित करने का क्रम, पुत्र अड़ा, डैड फंसा, पुत्र अड़ा, डैड फंसा, इसका मतलब क्या हुआ, पुत्र से पुर्तगाल, आ से अंग्रेज, डा से डच, डे से डेनिश, फा से फ्रांसीसी, सा से स्वीडिश। क्लियर हो गई बात, हम पुत्र हैं, हमने अपने पापा के सामने कहा कि हमें अपाचे चाहिए 160, ठीक, बहुत छोटी बात है, लेकिन हम अपनी हैसियत के हिसाब से अपने पिताजी के सामने डिमांड रखी। तो जब हमने डिमांड रख दी, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं या कोई और रीजन हो सकते हैं, तो क्या होगा, वहां पर तनी तनावा होगा, एक तरह से कह सकते हो, दोनों लोगों के बीच में क्या होगी, टेंशन होगी, तनाव हो जाएगा। तो हम अपनी बात पे क्या हो गए, अड़ गए, हमें चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। और पिताजी क्या हो गए, अब वो फंस गए बेचारे कि पुत्र की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे। तो पुत्र अड़ा, डैड फंसा, इसका मतलब यह है कि इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो कि भारत में यूरोपीय कंपनियां के स्थापित करने का क्रम, कभी भी पीसीएस चाहे लेवल ले लो, चाहे जहां ले लो, तो आप स्थापित करने का क्रम आप पढ़ोगे ना, बहुत मस्त याद का हो जाएगा। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये तो हो गया कंपनी स्थापित करने का क्रम, लिख लो। अब यहीं पर बात आ जाए आने का क्रम, तो आने का क्रम में कुछ नहीं करना है, ये जो यहां पर क्या था, जो आने का क्रम है ना बच्चा, केवल ये जो डच थे ना और ये अंग्रेज थे, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लो, एक दूसरे क्या कर लो, इंटरचेंज। ये जो हमने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आने का क्रम, और इससे जो हमने बताया है, ये है कंपनी स्थापित करने का क्रम। क्लियर हो गई बात, सब लोग कह रहे हैं 100% विश्वास है आपके जीएस पर। पहले बताओ आपको यह समझ में आया नहीं आया, यूरोपीय कंपनी आने का क्रम और स्थापित करने का क्रम, किसको नहीं समझ में आया फटाफट बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूं। यूरोपीय कंपनी स्थापित करने का क्रम, ये वाली जो ट्रिक आपकी काम कर रही है, ये काम कर रही है कब, स्थापित करने का क्रम, और ये जो हमने लिखा हुआ इधर, ये आने का क्रम है। तो आने का क्रम और स्थापित करने में क्या फर्क है, जब लोग आ रहे हैं तो डच पहले आ रहे हैं, अंग्रेज उनके बाद आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद डच सफल नहीं हुए, उनसे पहले अंग्रेज उनके बाद में आए, लेकिन पहले कंपनी क्या करी, लगा दी। तो वही है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, कहां पर हो गई, इंडिया में हो गई, और इसकी अनुमति किसने दी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी। यहां पर क्लियर है बात, 15 वर्ष के लिए दी, किस लिए दी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए दी। उम्मीद करते आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नीतीश कुमार कह रहे सर आपके पास तो मैजिक है, मैजिक नहीं बेटा, आप केवल पढ़ते रहो, ठीक है। सतानंद द्विवेदी कह रहे सर वहां पर 15 साल क्यों लिखे हो, समझते चलो, अभी तो मैंने यूरोपीय कंपनी आने का क्रम और स्थापित करने का क्रम बताया है बच्चा, अभी तो आपको मैं बताने जा रहा हूं इसका 16 राजलेख, सावधानी विकास पढ़ने जा रहे हैं,
ठीक है। तो उम्मीद करते आपको इतना समझ में आया होगा। तो इतना मैं रब कर दूं पहले, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आने का क्रम। यहां पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो मैं क्या बता रहा था, इधर वाले देश हैं सारे पश्चिमी, इधर वाले देश हैं पश्चिमी, इधर वाले देश हैं पूर्वी। क्लियर बात। महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अनुमति क्यों दी थी, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूर्वी साइड जो था मसालों का उत्पादन क्या था, मसाला, मसाला ये नहीं बच्चा जो गुटका होता है, मसाला वो जो सब्जियों में पड़ता है जो टेस्ट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मसाले जो थे, मसाले इनका उत्पादन ये पूर्वी देशों के साथ बहुत, मतलब यहां पर बहुत होता था। इंडोनेशिया के द्वीप हो गए, इंडिया के वहां क्षेत्र हो गया, यहां पर मसालों का उत्पादन बहुत होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर स्थापित करके महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की। सतानंद जी पूछ रहे थे सर 15 वर्ष क्यों लिखा, तो मैं बता दूं जो 15 वर्ष के लिए मात्र अनुमति मिली थी कि कंपनी में, तो आप कंपनी जा रहे हो, कंपनी ये थोड़े लेके जा रही थी, कंपनी एक अध्यक्ष, एक कोई हेड बनाया गया था। वो हेड कौन था, किसके हेड में कंपनी स्थापित हुई थी, तो आपको याद रखना है, पेपर पूछा जा चुका है, लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। इन्हीं के अध्यक्ष में कंपनी क्या हुई थी, स्थापित की गई थी, 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। और याद रखिएगा, इस कंपनी में कितने भागीदार थे, तो 217 भागीदार थे, 217 पार्टनरशिप थे, याद रखिएगा ये भी अच्छे से, ठीक है, 217 पार्टनरशिप थे। रविंद्र जी कह रहे हैं वीडियो डिलीट मत करना, बच्चा मैं बता दूं वीडियो के उतने ही समय तक मिलेंगी आपको जितने समय तक आप लाइव रहेंगे, बस उसके बाद वीडियो हट जाएंगी, क्योंकि बच्चा हमें उन बच्चों को केवल पढ़ाना है जो बच्चे सीरियसली एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत सीरियसली है। तो पूर्वी देशों में मसालों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। मसालों का यूज क्यों होता था, क्योंकि यहां पर मीट जो मांस होता था वो खाया जाता था, तो मांस को और टेस्टी बन, मांस जैसे किसी को मार दो तब खा लो, खाने में मजा आएगा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मसाला उसमें डाल दो और तब खाओ, क्या टेस्ट आएगा, ठीक है। इस टेस्ट की वजह से मसाला क्या, एक तो टेस्ट बढ़ाता था, दूसरा क्या करता था, ये लोग व्यापार, यहाँ के कुछ व्यापारी जो थे यहाँ से मसाला लाते थे, यहाँ पर बेच देते थे, उनको व्यापार मिल गया था। तीसरा रीजन इसके पीछे क्या था, तीसरा रीजन और था, मसाले जब आप किसी के ऊपर डाल दो कि वो मीट बहुत दिन तक सुरक्षित रह सकता था। जैसे मान लीजिए कोई कच्चा रॉ मटेरियल है, वो चीज़ खराब हो जाएगी, मसाला, जैसे मांस से कोई मीट को आप काट के रख दो खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें आप मसाले डाल के रख दो तो सुरक्षित रहेगी, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गए। तो मसाले का उत्पादन पूर्वी देशों में ज्यादा होता था, तो इसीलिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अनुमति मिल गई थी, ठीक है। तो इसको मैं आपको बता दूं यहां पर, यह उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आ गया ना। और कितने समय के लिए मिली थी, 15 वर्ष के लिए, क्लियर हो गई बात। अब बात सुनो बहुत ध्यान से, जब महारानी एलिजाबेथ अनुमति प्रदान कर रही थी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, कि लॉर्ड मेयर मतलब हेड बना दिए गए उस कंपनी की, कि आपके नेतृत्व में जा रही है कंपनी, 217 पार्टनरशिप हैं, तो जब वहां पे जा रही है तो उसमें क्या हुआ, वो पत्र भी तो, अनुमति भी तो लेनी आवश्यक थी। अनुमति किससे मिलेगी, जब भारत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो अनुमति भी तो भारत के आदमी से मिलेगी। अब भारत में उस समय दिल्ली में किसका मेन शासन हुआ करता था, मुगलों का। मुगल महारानी एलिजाबेथ के समकक्ष कौन था, वो थे अकबर भाई साहब, अकबर थे। तो इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है महारानी एलिजाबेथ के समकालीन कौन सा राजा था भारत में, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन अकबर शासक थे। एक बार परीक्षा में पूछा गया कि अकबर का टाइम टेबल बच्चा बता दो, तो टाइम टेबल याद रखिएगा 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड था, क्लियर है बात। महारानी एलिजाबेथ के समकालीन कौन था, अकबर थे, ठीक। तो पत्र किसके नाम लिखा था महारानी एलिजाबेथ ने, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए अपनी ये कंपनी स्थापित कर रही है और 15 वर्ष की अनुमति उसको दे रहे हैं महारानी एलिजाबेथ। किसके नाम पत्र आया, अकबर जी के नाम। लेकिन क्या हुआ, वो पत्र लेकर व्यक्ति आ कौन रहे थे, वो व्यक्ति आ रहे थे जिनका नाम था, जो आप लोग घर में कुकर यूज करते हो, जिसका नाम है हॉकिंस, क्लियर है बात। लेकिन दुर्भाग्यवश अकबर की हो जाती है क्या, मृत्यु। ऐसा तो है नहीं भैया
हमें एक कोई चैटिंग भेजनी, फट से भेज दिया, मेल चला गया। उसमें क्या होता था, कोई व्यक्ति को लिखा गया, बढ़िया आराम से लपेट लपेट के आराम से वो लेके चला चलता है व्यक्ति। हाकिंस, इनकी हो गई दुर्भाग्यवश उसी मृत्यु 2016-05 में। अकबर के बाद मुगल की गद्दी पर कौन बैठा, जहांगीर। जहांगीर गद्दी पर बैठे, और जहांगीर का भी टाइम पीरियड पूछा गया पेपर में, तो याद रखिएगा 1605 से 1627 तक। देखो पढ़ रहे हो आप पॉलिटी, रिलेट कहां से हो रहे हो, आधुनिक इतिहास से, क्योंकि जो चीजें जरूरी है मैं वहां पर रिलेट करूंगा ही, ठीक है। ये सारे आपको पता है, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, 360 डिग्री। 360 डिग्री पे आप जब पढ़ोगे तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सिन्नी पटेल सर का नाम राघव गुप्ता, यस राघव गुप्ता है सर का नाम, आप कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। साक्षी जी कह रही हैं नाइट की क्लासेस से आई पेन हो जाता है, अच्छा ये तो नई चीज मिली हमको, कोई बात नहीं। चलिए जहांगीर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसीलिए पेपर में तुम लोग लूसेंट में पढ़ते हो विविध में, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, हाकिंस। किसके दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन बना, हाकिंस। किसके दरबार में आया, जहांगीर के दरबार में। क्लियर हो गई बात, तो अकबर की हो गई थी मृत्यु, जहांगीर के दरबार में हाकिंस पहुंचा। तो अब पता चला क्यों आया था, वो अनुमति लेकर आया था। किस लिए अनुमति लाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति लाया था, ठीक। इसी को नाम दिया जाता है 1600 ईस्वी का राजलेख, जिसको कहते हैं चार्टर, चार्टर एक्ट ऑफ 1600, ठीक है। तो उम्मीद करते कितने बच्चों को इतना समझ में आया है, फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, फिर आगे बढ़ता हूं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। एक बार देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। अभी यहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है सार्वधानिक विकास में, अभी तो जीएस में बादशाह बनने वाले हो आप, केवल आप इंतजार करते रहो। कमेंट कर दो एक बार कितने लोगों को आ गया, जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों, फटाफट कमेंट करो। जैन चौकसी जी सर आ गया, बहुत अच्छे से। सिजनी पटेल, सपना पटेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनीष, देवेंद्र, सभी को बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना आया हो, कोई ऐसा बच्चा है ना, सुन बच्चा, यहां पर आप कॉन्सेप्ट से सीखोगे, कोई ये नहीं इधर उधर आप चले जाओगे, कॉन्सेप्ट से एक बिल्कुल अच्छे रिलेटेड से पढ़ोगे। लीजिए पिंटू जी ने कह दिया सर हिस्ट्री की क्लास है कि पॉलिटी की समझ में नहीं आ रहा। देखा, हमें पता था कुछ बच्चे होंगे, बोल रहा हूं सावधानी विकास पॉलिटी की क्लास, लेकिन सावधानी विकास ऐसे हो गया क्या, भारत में संविधान बना, संविधान कोई भारत के लोग नहीं बना दिए, ये स्टार्टिंग हुई थी ब्रिटिश काल से, बता रहा हूं तब भी आप लोग पतन ध्यान नहीं देते हो। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं जी सर, सभी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने बच्चों ने अभी लाइक ना किया हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, तो इसके आगे सबको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी भारत में वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी सूरत में, ये भी पता होगा आपको सबसे पहले, ठीक। अब बात करते हैं आगे, चलिए आगे क्या है, अब कैसे, ये तो हो गया व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज धीरे से आ गए इंडिया में, क्या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई, उसमें 217 क्या थे, साझेदार थे, पार्टनर थे, ठीक है। वो लोग कंपनी मिलकर क्या करने लगे, चलाने लगे। अब क्या हुआ, अब सांविधानिक विकास के लिए जो आगे चीज सीखनी है वो कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं नींव कहां पड़ी कि भारत में मतलब सांविधानिक विकास, संविधान का मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स, तो रूल्स बनने स्टार्ट कहां से हुए, तो समझो ठीक, आप सबको पता होगा 1757 1764। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे ये दो सन क्यों आ गए, ये दो सन क्यों आ गए, देखते कितने बच्चे कह रहे ये सन क्यों आ गए, बहुत बढ़िया। अर्पिता दुबे कह रहे राघव सर जिंदाबाद, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बस प्यार चाहिए मैं और कुछ नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा।
1757 1764 ये क्यों आ गए समझो, सबको पता होगा 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध, क्लियर बात, बैटल ऑफ प्लासी, क्लियर, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध देखो हिस्ट्री के, आप लोग ये ध्यान नहीं देते हो, बस ये कहोगे पॉलिटिक क्लास चल रही कि हिस्ट्री की समझ में नहीं आ रहा, अरे जो मिल रहा है लेते चलो, एक दो दिन इंतजार करो खुद ही समझ में आ जाएगा। आप लोग ये बताओ पहली बार जब आप ABCDA पहाड़ा याद किए तो पहली बार में याद हो गया था, अरे टाइम लगा था, तो आप हमको भी तो टाइम देने दो, चीजें आने तो दो, पूरी क्लास खत्म तो होने दो, पहले से ही सर ये क्या हो रहा वो क्या हो रहा, समस्या इतनी, समस्या देखोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल देखोगे तो समस्या दिखनी बंद हो जाएंगी। 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, ये दो युद्ध ऐसे युद्ध हुए जिन्होंने भारतीयों, भारत में अंग्रेजों के क्या कर दिए, हौसले बुलंद कर दिए कि अब मैं यहां पर क्या करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा शासन करूंगा। देखो कैसे प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, ये किसके किसके बीच हुआ, तो ये भी मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला के बीच में कौन सा युद्ध हुआ बच्चा, प्लासी का युद्ध, सबको पता है। अब सिराजुद्दौला में पेपर में प्रश्न आता कि प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दे दिया था, तो धोखा बच्चा दिया था मीर जाफर ने, किसने दे दिया था, मीर जाफर ने, जो उसका सेनापति था। क्लियर हो गई बात, अब बात समझो बहुत ध्यान से, यहां से जब रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ और जीत कौन गया, जीत गया रॉबर्ट क्लाइव। उस समय रॉबर्ट क्लाइव क्या था, उस समय था वो क्या, बंगाल का गवर्नर नहीं था। अब समझो बंगाली, आखिरकार बंगाल से ही शासन क्यों स्टार्ट हुआ उसको तो समझ लो। ये जो बंगाल होता था ना, मैंने आपको क्या बताया बच्चा, ये बंगाल जो होता था बंगाली पे क्यों हो रहा था शासन, जो बंगाल पे नवाब थे, इसके पीछे ये रीजन था कि बंगाल जो था समुद्री एरिया था, और आपको पता था पहले जमाने में एरोप्लेन नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, पहले जमाने में क्या थे, जल की व्यवस्था थी, जल यातायात की व्यवस्था थी, तो जितना भी व्यापार होता था वो जलीय मार्ग से होता था। और यहां पर क्या था ना, ये क्या था, सबसे ज्यादा यहां पर मसाला उत्पन्न होता, एक तरह से कह सकते हो बंगाल जो था पूरे भारत का क्या था, स्वर्ण, यहां पर एक तरह से कह सकते हो कि स्वर्ण काल था, कुछ भी आप कह लो कि यहां पर मसाला जो उत्पादन में था बंगाल सबसे स्वर्ण युग था, ठीक है। तो यहां पर शासन चल रहा था, सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, प्लासी का युद्ध लड़ा और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, तो रॉबर्ट क्लाइव के हौसले बुलंद हो गए, उसको लगने लगा कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, और रॉबर्ट क्लाइव भी कंपनी में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था मात्र, ठीक, तो उसको लगने लगा अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, यहां तो शासन करने की बात है, शासन करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा समेट लेंगे, क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या हुआ, उसने 7 साल बाद एक युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कितने लोगों के बीच में हुआ, यह भी मैं आपको बता दूं, एक तरफ था अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुनरो, ये भी पेपर में आता कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। बच्चा पूरी कहानी की तरफ पॉलिटी समझ में आएगी, केवल इंतजार करते रहो। और इधर थी 3 संयुक्त सेनाएं, किधर, भारतीयों की तरफ से 3 संयुक्त सेनाएं कौन कौन सी थी, एक तो था ये मीर जाफर, उसने तो धोखा दिया था, इधर था एक व्यक्ति मीर कासिम, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब बना बैठा था, ठीक, दूसरा व्यक्ति कौन था, अवध का नवाब था जिसको कहते हैं सुजाउद्दौला, तीसरा व्यक्ति यहां पर कौन था, जो तीसरा व्यक्ति था वो मुगल बादशाह थे जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये 3 संयुक्त सेनाएं थी, और इधर अंग्रेजों का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। जीत कौन जाता है, हेक्टर मुनरो जीत जाता है, क्लियर हो गई बात। अब अंग्रेज यहां पर 2 युद्ध विजय पर प्राप्त कर लिए, 1757 1764। अब अंग्रेजों को क्या लगने लगा कि अब तो भैया हम यहां पर क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, भारतीय जो है वो बहुत ही कमजोर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्लियर है बात। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, तो देखते हैं क्या किया।
अब उन्होंने किया, सबसे पहले दोनों युद्ध जीतने के बाद बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन गया? बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन गया? वो बन गया रॉबर्ट क्लाइव। कौन बन गया बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव। तो पेपर में कभी भी आ जाए बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। अब यहीं पे अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्ट की शुरुआत कर दी। जो उन्होंने सबसे पहला एक्ट लाया वो लाया 1773, और 1700 ईस्वी का जो एक्ट लाया ना उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। बच्चा एक्ट का मतलब आप समझते हो ना, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, मतलब कानून, कानून बनाया गया उसी को कहते हैं एक्ट, अधिनियम। क्लियर है बात? तो सबसे पहला जो आया वो आया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के माध्यम से सारी चीजें क्या की गई, नियंत्रित करने की कोशिश की गई। अब ये 1773 में, 1600 के बाद डायरेक्ट आ रहा 1773 में, अब यहां पर आ रही रूलिंग, यहीं पे बन के आएंगे कानून। और ये जब कानून धीरे धीरे विकसित होने लगेंगे यही जाएगा पूरा का पूरा कहां पे, जब भारत का संविधान बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों अगर सबको समझ में आ गया एक बार बता दो कमेंट करके, फिर से आगे पढ़ते हैं। जल्दी बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। दीपक कुमार कह रहे हैं सर डेली क्लास चलेगी? बच्चा आपको टाइम टेबल पहले दे दिया गया है, ठीक है, और आप परेशान मत हो। देखिए लाइव आर लाइव क्लासेस मिलेंगी अब आपको, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। अब यहां पे इसकी पता रणनीति क्या थी, इसकी रणनीति यहां पर क्या थी तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। जो रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति थी ना, उसने सबसे पहले बंगाल में क्या स्टार्ट कर दिया, उसने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया द्वैध शासन। बहुत बच्चों के मन में होता द्वैध शासन क्या होता, तो बंगाल में द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखो ये क्या है द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब, द्वैध का मतलब क्या है, ड्यूएल, ड्यूएल दो चीजें होंगी, एक था शासन और एक था राजस्व। अब जब ये बंगाल का गवर्नर बन गया, बंगाल का गवर्नर ये जब बन गया तो इसने द्वैध शासन लागू कर दिया। तो पेपर में प्रश्न आता कि बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला पहला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। द्वैध का मतलब एक शासन और राजस्व। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, हम पढ़ा भी देंगे और हम आपको डांट भी देंगे, दो क्वालिटी हो गई, ठीक। और यहां पर क्या है, द्वैध शासन का मतलब यही है कि पहले काम अकेले हम कर लेते थे, लेकिन अब यहां पर कामों को क्या कर दिया, हमने बांट दिया, शासन अलग करवाने के लिए और राजस्व अलग के लिए। शासन के लिए क्या किया, शासन के लिए रॉबर्ट क्लाइव पता क्या करता था, शासन के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो करता था वो करवाता था भारतीय नवाबों से, भारतीय नवाबों से। और राजस्व जो है ना वो स्वयं वसूलता था। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था भारतीयों को भारतीयों के प्रति कमजोर करना। क्यों, जैसे मान लीजिए हम हैं, अगर हम आपसे पैसा मांगने जाएंगे और आप हमारे देश के हैं, हमारे भाई बहन, तो एक थोड़ी सी मन में संकोच होती है कि बताओ ये हमारे भाई बनते पैसा मांगने चले आए। इनकी नीति बिल्कुल सेम थी कि राजस्व जो था वो स्वयं वसूलता था। जब वो पैसा लेने जाता था, टैक्स वसूलने जाता था, तो वहां पर जो दुकानदार होते थे, लोग कहते थे, जमींदार थे, वो लोग कहते थे कि क्यों भाई, तो क्या कहता था, भैया अब मंगाया तो जा रहा आपके भारतीय नवाबों के द्वारा, तो अब क्या होगा, जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके जो मेंटेलिटी बन गई किसके प्रति गलत बन गई, नवाबों के प्रति, ना कि रॉबर्ट क्लाइव के प्रति। तो यही है द्वैध शासन। तो उम्मीद करते द्वैध शासन के बारे में आपको समझ में आ गया। पूजा गौतम करे पहली बार इतने अच्छे समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। दीपक कुमार कह रहे हैं सर पेड क्लास आगे की रहेंगी? बच्चा ये जो जीएस की पॉलिटी क्लास है कोई पेड क्लास नहीं होगी। आप तो पेड क्लास का मतलब क्या समझते हो, अरे पेड क्लास अगर कोई आपसे फीस ले रहा है तो ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप हो, आप नौकरी करने जा रहे हो, पैसे नहीं लेंगे उससे,
सरकार से पैसे तो लेंगे, और पैसे अगर यहां पे लिए जा रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि पेड क्लासेस में हम लोग अमीर बने गए। अरे आपको पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी हिसाब से सोचिए, बिल्कुल दिमाग ही नहीं, बस कमेंट कर देते हो उल्टे सीधे। हम पढ़ाने के यहां सोच रहे हैं और आप लोग अलग ही दिशा में भागते हैं। दीपक कुमार जी कह रहे द्वैत शासन किस सन में लागू हुआ? 1765 में। मैं बता तो रहा हूं बच्चा, फटाफट जिन बच्चों का वीडियो लाइक ना हुआ लाइक कर दें। अगर आपको पेड क्लासेस ग्रुप में फी चुकानी है ना, तो आप बस इतना चुकाइए, वीडियो को शेयर कर दो, 100 लोगों को शेयर करेंगे आप, 100 रुपीज हो जाएंगे, आपने 100 रुपए लक्ष्य को दे दिए, ठीक है। लेकिन आप तो बिल्कुल अलग ही दिशा में भागते हैं। वीडियो को लाइक कर दो ये नहीं सोचोगे आप? अगर मैं आप देख रहे हो सामने कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो उसका ये मतलब थोड़े होता है कि बच्चा आप बिल्कुल गलत तरीके से उसका यूज कर लें। चलिए, ऐसा जी कह रहे हैं सर आप पॉलिटी पूरी पढ़ाएंगे? पूरी पढ़ाऊंगा, धैर्य बना के रखो। चलिए बात करता हूं, द्वैत शासन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आखिरकार क्या है, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा एक्ट आया जो भारत में सबसे पहले कानून बनाने के लिए क्या किया गया, नियमित एवं नियंत्रित रूप था। इससे क्या हुआ, भारत में प्रशासन की नींव पड़ी। अभी तक क्या नींव थी, केवल व्यापारिक नींव थी, अब क्या पड़ गई, प्रशासनिक नींव पड़ गई। तो प्रशासनिक नींव की इसके अंतर्गत क्या क्या नियम किए गए, ये देखो बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट किया गया, जो गवर्नर शब्द है, बंगाल के गवर्नर शब्द को बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। सबसे पहली बात क्लियर हो गई बात, तो यहां पे पहले तो मैं द्वैत शासन ही हटा दूं, ठीक। बंगाल पहला पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब पेपर में इस तरह प्रश्न आएगा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो आपको पता चल गया 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी के एक्ट को किस नाम से जानते हैं, तो 1773 ईस्वी के एक्ट को हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, ठीक। अब जो गवर्नर जनरल बात आ गई, तो यहां पे हमने एक टेबल बना दी, बंगाल का पहला गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। यहीं पे बात आ जाएगी अगला कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन। तो जब गवर्नर की बात आ रही है तो रॉबर्ट क्लाइव, जब जनरल की बात आ रही है तो आप क्या लगाओगे, पता है आपको क्या लगाना है, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर हो गया बात, तो आपको पता चल गया होगा जब 1773 ईस्वी में एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें गवर्नर के पद को बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपको पता चल गया, उधर हमने लिख दिया तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, गवर्नर जनरल के साथ साथ गवर्नर जनरल पद आ गया, पहले केवल गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल हो गया, तो इनके साथ साथ चार सदस्यीय टीम और जोड़ दी गई, चार सदस्य और आ गए। तो इनके टीम में चार सदस्य कौन कौन से थे देख लो, चार सदस्य कौन कौन से थे, तो वो भी पेपर पूछे गए हैं, एमपीपीएससी में पूछे गए बहुत बार, फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे मॉनसेन, तीसरे थे क्लूवेरिंग, और चौथे थे वर्नेल। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा कि गवर्नर पेपर में भी आएगा। अभी देखना, अगर यहां से आप पकड़े ले रहे हो ना कि किस अधिनियम में, किस अधिनियम में गवर्नर जनरल के साथ उसके साथ चार सदस्यीय टीम थी, ये चार अन्य सदस्य थे, तो गवर्नर जनरल। तो 1773 में, अभी यहीं पे 1784 जाओगे ना, यही सदस्यीय टीम एक घट जाएगा, तीन बचेंगे। तो उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज दो।
अगर आप लोग कुछ भी देना चाहते हैं लच्छा ऑफिशियल को, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और आपको कुछ काम नहीं करना है। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं इतना अच्छे समझ में आ गया। ये चार सदस्य आपने लिख भी लिए होंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। आशीष परिहार जी कह रहे हैं सर निर्माण आईएएस की एमपीपीएससी वाली बुक से पढ़ सकते हैं नोट्स बनाकर। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके नोट्स बना लो, उसके बाद आप बताइएगा कोई बुक की आवश्यकता है कि नहीं, थोड़ा सा हम पे विश्वास कर लो आप, बस पहली बार लाइव आया हो ना, थोड़ा सा विश्वास करने में आप लोग डर रहे होंगे, तो डर को आप दूर करिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आलम शेख जी कह रहे हैं सभी सदस्यों के नाम हम एक बार फिर से क्या कर दें, रिपीट कर दें, तो मैं आपको बता दूं फिलिप फ्रांसिस, देखिए मैं इंडिकेट भी कर दे रहा हूं नाम रिपीट क्या करना, फिलिप फ्रांसिस मॉनसेन क्लुवेरिंग वर्नेल, ये चार अन्य सदस्य थे। क्लियर हो गई बात, अगर यहीं पे हम लोग इनके बात करें, बहुत बढ़िया। शिवांग सिंह कह रहे हैं सर क्लास आज से स्टार्ट हुई, यस बेटा आज से स्टार्ट हुई, पूरा साथ है आपके लिए, थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। स्नेहा सिंह कह रहे सर नाम रिप्लाई कर दीजिए, नाम रिप्लाई तो कर दिए बेटा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शिवानी गुर्जर बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। फटाफट आप लोगों को क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है, और लच्छा ऑफिशियल को इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट बनाना है, ठीक है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट बनाना है। यहां पे मान लीजिए आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, ठीक है, और बिल्कुल एक लेवल से मिलेगी, ये नहीं कि आज हमने ये पढ़ा दिया आज हमने ये पढ़ा दिया, एक सिक्वेंस वाइज, एक सीढ़ी पे हमने पैर रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी, इस तरह, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया, तो पहला पॉइंट पता चल गया आपको, दूसरा पॉइंट देख लेते क्या है, दूसरा पॉइंट देखते बच्चे इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है, वो दूसरा पॉइंट यहां पर आप कह सकते हो कि देखिए उस समय प्रेसिडेंसियां जो चलती थी ना तीन, ये चलती थी बंगाल और यहां पे चलती थी बंबई की बॉम्बे, और यहां पे थी मद्रास प्रेसिडेंट, चेन्नई को पहले किस नाम से जानते थे, मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये तीन प्रेसिडेंसियां थी। तो इस अधिनियम के तहत बात क्या कही गई कि जो बंगाल वाली प्रेसिडेंसी है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके अधीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां भी रहेंगी। तो दूसरा पॉइंट आपको यहां से नोट डाउन कर लेना, देखिए मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं लिखता कम हूं, चीजों को पॉइंट से थ्योरी बनाने की कोशिश ज्यादा करता हूं, क्यों, क्योंकि आप मेंस तक का लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक, हर आप एक पूरा के मान लीजिए कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ठीक है, आप सब में पॉलिटी में बिल्कुल निपुण हो जाएंगे। तो आप दूसरे पॉइंट से इस फिगर के माध्यम से क्या समझ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ रहा होगा वही समझ पाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी भी उसके अधीन ही रहेगी, या एक तरह से कह सकते हो बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का पूरा नियंत्रण किसके अधीन हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी पर हो गया, क्लियर बात। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते, दो पॉइंट देखने के बाद तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एससी का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट, क्लियर बात। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, इसकी स्थापना कब की गई आपको ये भी याद रखना है, 1774 ईस्वी में, कब की गई थी, 1774 ईस्वी में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, याद रखिएगा। यहां पर जो मेन सीजीआई बनाए गए वो कौन बनाए गए, या एक तरह से कह सकते हो सीजे चीफ जस्टिस कौन बनाया गया, वो बनाया गया बच्चा सर एलिजा इम्पे, ये मेन चीफ जस्टिस बनाया गया, कहां के, जो बंगाल में 1774 में बनाएगी। अब एक चीज और बता दूं, जैसे कोई अधिनियम 1773 चला और 1784 आया, ठीक, ये दोनों अधिनियम आपके पास रहे, इसके बाद आप ये पढ़ोगे, तो इसके बीच में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी ना, ये सारी घटनाएं किस अधिनियम के तहत काउंट की जाएंगी, वो पहले वाले अधिनियम के तहत काउंट की जाएंगी, क्लियर है बात, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे 1774 तो पेपर में स्पेशली सन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो किस सन में की गई बंगाल में, तो 1774 में। किस अधिनियम के तहत, तो 1773 अधिनियम के तहत। ठीक है, तो आपको वही बताना है कि जब तक चीजें अगले अधिनियम तक नहीं आएंगी तब तक वही पुराने वाले पे रिपीटेड रहेगा। तो मेन चीफ जस्टिस कौन थे, सर एलिजा एम्पे। इनके साथ में तीन लोग और थे, उनका क्या नाम था वो भी देख लेते हैं हम लोग। तीन अन्य न्यायाधीश थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे और तीन अन्य न्यायाधीश थे, कौन कौन से थे, चैंबर्स, हाइड, दूसरे थे हाइड और तीसरे थे लैमेस्टियर। लैमेस्टियर, ठीक है, चैंबर्स, हाइड और लैमेस्टियर। क्लियर हो गई बात अच्छे से। अब बताओ इतने पॉइंट याद हो गए, 1773 में क्या क्या काम हुआ था आपको पता चल गया नहीं पता चल गया, फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ 1773 समझ में आ गया नहीं आ गया। 1773 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने तीन ही बताए हैं, तीन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं ना पॉलिटिक्स, सर मैं थोड़ी लेट आया हूँ आज के, कल के टाइम से पहले से आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा बच्चा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, मजा आ जाएगा, लाइक कर दे, शेयर कर दे जितने भी ग्रुप हो। ठीक है, सतानंद जी कह रहे हैं सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू, आप हमारी मेहनत तो देख तो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, चलिए बहुत अच्छे। पूजा धाकड़ कह रहे सब अब पॉलिटी समझ में आ रही है सर, अरे सब कुछ समझ में आएगा बेटा सब कुछ, ठीक है, केवल आप विश्वास बनाए रखो। अभी एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट और बताना है, वही मैं बताने जा रहा हूं, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर दें। कुंदन कुमार जी कह रहे हैं सर टाइमिंग बता दीजिए, बच्चा टाइमिंग डेली लच ऑफिशियल पे लाइव क्लासेस 7 बजे मिलेंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, कल से ज्यादा लोगों को आपको आना है। देवेंद्र त्रिवेदी कह रहे हैं सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए, देखिए देवेंद्र जी बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा एम्पे, उनके साथ में तीन अन्य न्यायाधीश थे, चैंबर्स, हाइड, लैमेस्टियर। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहीं पे पूछा जाए बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये दो, एक सेकेंड, ये दो अधिनियम है, एक 1773 एक 1784, बीच में 1774 में काम हो गया, स्थापना हो गई, तो अब सिंपल सी बात है 1774 में जो स्थापना हुई वो किसके तहत मानी जाएगी, 1784 के तहत कि 1773 के तहत। तो हमने बताया कि इन दोनों के बीच में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी वो पहले वाले में काउंट होंगी। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्नेहा सिंह कह रहे हैं फर्स्ट टाइम इतनी इंटरेस्टेड लगी, बच्चा पूरी इंटरेस्टेड लगेगी स्नेहा सिंह, केवल आप पढ़ते रहियो, केवल आप पढ़ते रहो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और ये मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ। बस आपसे एक है ना, लच ऑफिशियल को एक नंबर इंस्टीट्यूट बनाना है, निधि मैम की मेहनत को बिल्कुल साकार करना है, ठीक है, निधि मैम की मेहनत को बिल्कुल साकार करना है, लच ऑफिशियल चैनल को नंबर वन इंस्टीट्यूट बनाना है और यहां पर बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, सबसे लो तो शायद मैं ही हूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मान लीजिए मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ाने की और बाकी फैकल्टी पूरी बेस्ट है, ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, 1773 समझ में आ गया ना। पूनम अहिरवार सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, लाइक कर दो दबा के, जिसका जिसका लाइक छूटाओ यार, दबा दो, मजा आ जाएगा एक बार। हां चलिए बात करते हैं आगे, 1773 में ही एक पॉइंट बताऊंगा, तो 1773 में एक पॉइंट बताने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो देख लीजिए मैं इसको हटाने वाला हूं, क्योंकि आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा, बंगाल का गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग। 1773 में जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है,
कंपनी जो 1600 ईस्वी में आ गई थी उस पे जो हेड बना के भेजे गए थे लॉर्ड मेयर, जो अध्यक्षता में भेजी गई थी, ठीक है। उसी के बाद क्या हुआ कि कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि अब अंग्रेज लोग व्यापार छोड़ के शासन की नीति अपना लिए थे। वन सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लें बेटा। सॉरी बेटा, थोड़ा सा प्यास लगी थी तभी कंटिन्यू बोल रहा था, पानी बीच में पिया नहीं था, सॉरी आपका डिस्टर्ब हुआ। डेली राज कह रहे हैं दिन कितने दिन पढ़ाई करेंगे यूट्यूब पर? अरे जितने दिन मैं पढ़ाऊंगा अब तो हमेशा मैं आपको पढ़ाऊंगा, काहे परेशान हो आप लोग, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट मैं आपको बताने हूं कि कंपनी उनको अंग्रेजों के क्या थी नीति, अब बन गई थी कि उनको व्यापार नहीं करना था, उनको अब शासन करना था। तो जब शासन करना था बच्चा, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कोई ना कोई कठपुतली तो बनाएंगे ना, कोई ना कोई कठपुतली तो बनाएंगे, किसी ना किसी को एक हेड बनाएंगे। तो वो क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं संचालक मंडल या निदेशक मंडल, संचालक मंडल या निदेशक मंडल। जितनी भी कंपनी की गतिविधियां थी, चाहे सैन्य गतिविधियां हो, चाहे प्रशासनिक गतिविधियां हो, चाहे राजनीतिक गतिविधियां हो, चाहे जो भी गतिविधियां हो, सब पे नियंत्रण रखने के लिए क्या गठित किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल। इनके सदस्यों को, जो इनमें सदस्य थे, उनका कार्यकाल कब तक रखा गया, सदस्यों का जो टेन्योर था, जो कार्यकाल रखा गया वो कितना रखा गया, वो रखा गया बच्चा 4 साल। एबी पेपर में एक बार पूछा गया, तभी मैंने आपको यहां पे डिस्कस किया। 4 पॉइंट केवल याद कर लो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जितने भी प्रश्न आएंगे, कोई भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं जाएगा। रिविजन कर लेते हैं, गवर्नर पद का गवर्नर जनरल नाम किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के, जिसमें 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसेन, क्लोरिंग, वर्नेल। दूसरा पॉइंट क्या है कि बंगाल की प्रेसिडेंसी से बॉम्बे तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, जहां के चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैंबर्स, हाई लिमिस्टर। चौथा पॉइंट क्या है, कंपनी पर पूरी तरह नियंत्रण रखने के लिए, उसकी गतिविधियों को मैनेज करने के लिए क्या गठन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल का, जिनके सदस्यों का कार्यकाल 4 साल। उम्मीद करते बच्चा 1773 बिल्कुल छप गया होगा दिमाग में, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके अब एक बार बता दो, फिर आगे बात करते हैं 1784 की। चलिए अब एक बार कमेंट करके बता दो। पूनम अरिवार कह रहे सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओगे? बेटा मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, केवल आप बने रहिए। और जिन बच्चों को एमपीएसआई का केवल कोर्स ही चाहिए एमपीएसआई के लिए, तो ऐप पर अवेलेबल है, एमपीपीएससी का मैम का कोर्स अवेलेबल है, जिनको स्पेशली उसके लिए तैयारी करनी है, ठीक है, वो लच ऑफिशियल का ऐप डाउनलोड करके वहां पर जाके आप देखिए, डेमो वीडियोस ले लीजिए, उसमें हमने जीएस आपको पढ़ाई हुई है, जीएस जो पढ़ाई हो 360 एंगल पे घुमाइए, और जो पॉलिटी है पूरी निःशुल्क है। क्यों परेशान हो रहे हो मेरे बच्चा, फटाफट शेयर कर दो। चलिए सभी को उम्मीद करते आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। शुभम जी कह रहे पीडीएफ मिलेगा? बच्चा पीडीएफ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, पीडीएफ इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, आप नोट्स बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, ठीक है, किसी के सहारे मत चलो। आप हमसे पढ़ो जरूर, लेकिन यह नहीं कि पूरी तरह हम पे ऐसे रख लो हाथ और चलते चले जाओ, बैसाखी मत बनो हमारे। विक्की साहू जी कह रहे सर स्पेशल क्लास चाहिए आपकी मेंस में,
मिलेगी मिलेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। ये स्पेशली है, चाहे प्री मानो चाहे मेंस मानो चाहे जो मानो, बस आप लोगों का टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना। हम चाहते हैं, हमारा टारगेट पता क्या है, हमें खुशी कब मिलेगी, जिस दिन 1K वाचिंग कर रहे होंगे, 1K बच्चे वाचिंग कर रहे होंगे। मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा आपको सारी एक बारीकियों से चीजों को सिखाने में, टाइम जरूर लगेगा हमको, हमसे पढ़ने में आपको, लेकिन चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, समझनी रहेंगी केवल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आए, सभी लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास कब। बच्चा अभी पहले पॉलिटी स्टार्ट किया तो पॉलिटी का क्लास रहिए, ठीक है। अब प्लीज हमें इधर उधर सब्जेक्ट में मत भटकाइए। साक्षी जी कह रहे हैं क्लास को दिन में कर दीजिए। साक्षी जी आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे पास दिन में थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि मेरे पास समय की कमी है, ठीक है। बेबी रजक कह रहे हैं एसआई का बैच कितने टाइम होता है। मैं आपको बेबी रजक भी आपको बता दूं कि एसआई का बैच लक्ष्य ऑफिशियल के जो ऐप है उस पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आएगा। अब बात करते हैं 1784 जो अगला एक्ट हम लोग पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे, 1784 ईस्वी। क्या नाम है इसका, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए जिन एक्ट में नाम आ रहा वो एक्ट आप नाम याद कर लेना, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस सन को, 1773। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब बच्चा एक चीज और बताऊंगा मैं, ये तो बता रहा हूं, लेकिन एक बीच में एक्ट एक बार उसका नाम पूछा गया, क्या पूछा गया, 1781। देखिए 1773 आपने पढ़ लिया ना, अब आप पढ़ने जा रहे हैं 1784। इंपॉर्टेंट है, इसके बाद यही इंपॉर्टेंट है मेन, लेकिन 1781 क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। 1773 में जितने भी 200 रह गए थे, 200 थे, उन सभी 200 को क्या करने के लिए, व्याप्त करने के लिए, व्याप्त मतलब समाप्त करने के लिए, उन 200 को समाप्त करने के लिए जो एक्ट आया वो कौन आया, 1773 ईस्वी का, जिसका नाम दिया गया संशोधात्मक। संशोधन का मतलब अभी हमने बताया था ना, किसी भी चीज को जोड़ना या घटाना, तो सिंपल सी बात, जो उसमें दोष है उनको हटाया गया, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, संशोधात्मक। और मैं आपको डायरेक्ट याद करवा दूं कि 1781 को संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं, तो आप याद करोगे लेकिन भूल जाओगे। ये आप मान लीजिए क्लास हमारी मेंस तक की है, ठीक, अच्छे से थ्योरी समझो, नोट्स बनाओ और पॉइंट में नोट्स रखोगे तो मजा आएगा। संशोधात्मक एक्ट या संशोधात्मक अधिनियम, ठीक, इसी को बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट। तो एक पेपर में क्यों नाम आता है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट में दोष रह गए थे उनको दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया, तो 1781 का। और यही जो एक्ट पारित हो रहा है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा पारित हो रहा है, और ये किसके तहत पारित हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित हो रहा है, क्लियर है बात। तो ये जो एक्ट पारित हो रहा है यही संविधान के विकास की सीढ़ियां बनने हैं, क्लियर बात। तो संशोधात्मक एक्ट 1781 को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला पॉइंट तो आपको दो मिनट में रट जाएगा, बताओ कैसे रट जाएगा, वो रट इस प्रकार जाएगा, जो गवर्नर जनरल की सदस्य थे उसमें कितने सदस्य थे बच्चा, उसमें सदस्य थे 4। तो पहला पॉइंट याद हो गया कि सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई किस अधिनियम के तहत, वो अधिनियम था हमारा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। सुशांत नहर कह रहे सर आप बहुत अच्छे टीचर हो, वी आर लकी। थैंक यू, मैं लकी हूं कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का मौका हमें मिल रहा है, ठीक है। पूनम अहिरवार जी कह रहे हैं सर एमपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, मुझे ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप लक्ष्य ऑफिशियल के ऐप पर जाइए, वहां पर MPSI के लिए कोर्सेस अवेलेबल है, वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए जिसको अलग जाना है अलग पढ़ना है तो वहां पर उसके लिए व्यवस्था की गई। रेहान सिद्दीकी आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, पबजी खेलो बता रहे हैं, अब आप पढ़ने आए हो कि पबजी खेलने आए हो। शुभम शुक्ला कह रहे हैं सर आपकी क्लास 8 PM, तो मैं आपको क्लास बता दूं अपनी, मेरी क्लास होती है 7 PM, 7 PM से अभी कोई समाप्ति की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ 9 बजे से आपकी प्री मैडम निधि मैम आपको क्लास पढ़ाएंगे लूसेंट जीके की,
ठीक है। तो मेरी क्लास जो होगी 7 PM से चलेगी, वो 9 बजे तक भी चल सकती है, 8:30 बजे तक चल सकती है, जितनी आप में क्षमता होगी। जितनी आप में क्षमता होगी। सिंजनी पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो सबको समझ में आ गया ना, सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। नीतीश जी कह रहे सर आपका पूरा जीके और जीएस का क्लास मिलेगा वीडियो? यस, पूरा मिलेगा बेटा, क्यों परेशान हो आप लोग। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग। अभी तक क्या हो रहा था बच्चा, कि केवल कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए किसका गठन किया गया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। यहां पर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर एक पैनल का और गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? इसमें थे बच्चा 6 सदस्य, ठीक। और इसके साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही, क्लियर है बात। अब देखो यहां पर ये जो अलग हो गया ना, ये अलग गठित कर दिया गया ना, इसका वर्क क्या हुआ? तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये राजनीतिक मामले देखने लगा अलग, जैसे राजनीतिक मामले सैन्य से लेकर ले लो, सैनिकों से संबंधित, ठीक है, सैन्य मामले, युद्ध के मामले, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा राजनीतिक मामले। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करने लगा, ये केवल पूरी तरह से व्यापारिक मामले देखने लगा, ये पूरी तरह से व्यापारिक मामले। तो इस तरह पेपर में प्रश्न आएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के किस अधिनियम के तहत केवल राजनीतिक मामले देख रहा था, व्यापारिक मामले, तो 1784 के पेट्स इंडिया एक्ट के तहत। क्लियर हो गई बात। अब बात समझो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या हमारा बहुत अच्छा है पॉइंट है, देखने जरूर लगाइए, ठीक। गवर्नर जनरल भी था, लेकिन कभी भी युद्ध, कहीं पर भी युद्ध हो जाए या किसी से संधि करनी पड़ जाए, संधि मतलब कि भैया हमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हमको समझौता चाहिए, ठीक है, संधि करनी पड़ जाए तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी? तो अनुमति लेनी पड़ती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पावर पूरी तरह उसी तरह बरकरार था। क्लियर है बात। युद्ध एवं संधि से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। 3 पॉइंट आप याद कर लो यहां पर। और एक चौथा पॉइंट है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, क्या जितने भी अंग्रेज अधिकारी भारत में थे, वो भी तो कोई ना कोई गलत काम कर रहे होंगे, वो भी ना कोई अवैध, एक तरह से कह सकते इनवैलिड वर्क कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होता था ना, वो इंग्लैंड में दर्ज होता था, इसीलिए वहां पर एक कोर्ट की स्थापना की गई। तो कहने मतलब है, भारत में कार्य कर रहे अंग्रेज अधिकारी जो अवैध रूप से कार्य कर रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट का गठन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। तो बस इसी प्रकार 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें समाप्त हो जाती। बच्चा मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, फालतू की खिचड़ी नहीं बताऊंगा, ठीक। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लो, ये भी कंप्लीट हो गया 1784। 1784 के बाद जो अगला एक्ट आ रहा, वो आ रहा हमारा 1793। और यहाँ पे एक साइड में नंबर डालते चलना, हम लोग कौन कौन सा एक्ट पढ़ चुके, 1773, ये कापी में अपने टेबल वाला लेना, तो इससे आपको याद होता रहेगा। 1781, 1784, जो अगला आने वाला है वो आने वाला है 1793। जल्दी फटाफट कमेंट करके बता दो 1784 समझ में आ गया नहीं आ गया। सुशांत नायक कह रहे हैं सर आपकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ठोक दो एक बार लाइक, मजा आ जाए। जल्दी से फटाफट शेयर करो बच्चों, फटाफट शेयर करो एक बार। कितने लोग चाहते हैं लक्ष्य ऑफिशियल पे एक बेहतरीन फैकल्टी जो आ गई है तो इसका उपयोग किया जाए? सोनू सिंह सर नोट्स मिलेंगे, मैं बता चुका हूं आत्मनिर्भर बनो, पढ़ा रहा हूं नोट डाउन कर लो। अंजलि तोमर सर आज से क्लास स्टार्ट हुई? यस, और ये क्लास तभी तक रहेगी केवल जब तक आप लाइव पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास नहीं मिलेगी आपको। आशीष मिश्रा सर आप क्लास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर उसके बाद जो बच्चा बात करते हैं ना, वो हम लोग बात करते हैं क्या आगे, जो आगे बात करते हैं ना, वो हम लोग बात करते हैं 1793।
1793 ईस्वी का राजलेख, राजलेख मतलब चार्टर, बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही बढ़िया है। क्या है देखते हैं हम लोग, 1793 ईस्वी का राजलेख। तो 1793 ईस्वी का जो राजलेख है ना, उसमें कुछ नहीं कहा गया, उसमें कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, एक पॉइंट केवल याद कर लो बस, बाकी सब काम खत्म है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, इनका जो वेतन दिया जाता था, वेतन मतलब इनको सैलरी जो देनी होती थी इनके सदस्यों को, वो कहां से स्टार्ट हो गई थी, वो हुई थी भारतीय राजस्व से। तो एक तरह से आप देख रहे हो 1793 वाले जो राजलेख मतलब चार्टर आया, यहां से अब भारतीयों को सताना स्टार्ट हो गया मामला। क्या स्टार्ट हो गया, काम कर रहे अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज की कंपनी के लिए वेतन दे रहा कौन, भारतीय राजस्व। बस एक पॉइंट केवल याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है 1793 में। फिर 1793 के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कौन कौन हो गए हमारे, 1773, 1781, जितनी बार आप लिखोगे उतना रिमाइंड होगा। हमारे याद करने का तरीका जो है, आप देखते होगे मैं आपको सारी चीजें बताता चला जाता हूं, तो हमारे याद करने का तरीका कुछ और नहीं है, मैं बार बार चीजों को लिखता हूं। आज भी अगर पढ़ता हूं ना तब भी लिखता हूं मैं, ठीक है। अब 1793 के बाद मैं आपको बता दूं, इस वाला जो राजलेख आया ना, इसमें एक बात कह दी गई कि इस जो कंपनी का जो अधिकार पत्र है, एक तरह से कंपनी 1600 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए प्रदान हुआ था लाइसेंस व्यापार करने के लिए, वो इसी तरह एक्सटेंड होता रहा। तो अब यहां से क्या हो गया एक्सटेंड होने का मामला, कि 20 वर्षों के लिए अनुमति मिलने लगी। तो 1793 के बाद जब 20 वर्षों की अनुमति यहां से मिल गई, 1793, सिंपल सी बात, जब 20 वर्षों की अनुमति मिल गई तो अगला एक्ट कब आएगा, 1813 ईस्वी में। तो 1813 ईस्वी का राजलेख पढ़ना है, 1793 सबको समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट करके बता दो, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया। गोलू रजावत, एमपीपीएससी कंप्लीट हो रहा है, यस, एमपीपीएससी में पॉल्टी, और बाकी आपको एमपीपीएससी में सब सब्जेक्ट पढ़ना है तो लच ऑफिशियल ऐप पे, वहां पे एमपीपीएससी का पूरा कोर्स है। जो बच्चे स्पेशली जिसकी तैयारी करना चाहते हैं वो लच ऑफिशियल ऐप पे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। शिवानी गुर्जर कह रहे हैं हाफ आवर की क्लास मिस हो गई, बच्चा क्लास जो है अभी नहीं हटाई जाएगी, जो क्लास है ना वो 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगी, 24 घंटे रहेगी आपके पास क्लास। जब अगली क्लास कल 7 बजे चालू होगी तब वो क्लास हटाई जाएगी, तब तक आप कंप्लीट कर सकते हो। जो बहुत बच्चे कह रहे हैं नोट्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ, सतानंद जी कह रहे सर 20 वर्ष की अनुमति किस लिए मिल गई, थोड़ा उसको समझा दीजिए। तो सतानंद जी मैं आपको कहना चाहता हूं, 20 वर्ष के लिए अनुमति मतलब अब यहां से क्या हुआ, जो राजलेख आएंगे, जो नियम कानून आएंगे, वो 20-20 वर्ष के अंतराल में आएंगे। और दूसरी बात, व्यापार करने के लिए 20 वर्ष के लिए अनुमति दी जा रही, क्योंकि यहां पर कंपनी का शासन व्यापार करने के उद्देश्य से हटा के शासन करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा। तो अब व्यापार करने के लिए जब तक हम सीमित समय नहीं करेंगे, तो जो अंग्रेज के लोग व्यापार करने आए थे वही लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध नहीं हो जाएंगे, सिंपल सी बात सोचो। यहां पर अभी इंडियन से कोई लेना देना नहीं, अबे अंग्रेज का अंग्रेजों से ही चल रहा मामला। पवन ढांगी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। और लच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को नंबर एक बनाना है, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, जितने भी लाइक अभी छुपाए रखे हो ना लाइक कर दो। अगर आप कुछ भी दे सकते हो ना, अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही हो सच में कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लाइक कर दो। रोशनी दुबे, सर दोबारा समझाइए 1813, अभी ये तो 1813 हमने पढ़ाया ही नहीं, 1813 पढ़ाने जा रहा हूं मैं। हाँ, पवन त्यागी कह सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दे। तो बच्चा ये हटाने की बात 24 घंटे में वीडियो के इसलिए है, मैं आपको रीजन भी बता दे रहा हूं, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना वो तुरंत का काम तुरंत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे लेट हो गए
वरना आप अगर एक एक दो दो दिन बाद पढ़ेंगे ना तो कभी तैयारी नहीं कर पाएंगे आप। आपके पास केवल कलेक्शन है, यूट्यूब में आप कहीं भी वीडियो कुछ भी डालो पूरा डाटा मिल रहा, लेकिन कोई स्टेप वाइज और कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं है, उनको सिर्फ बताना है कि हम दे रहे हैं, हमारे चैनल पे आओ। हमारा क्या है, हम पढ़ाएंगे आपको, हम आपके नोट्स बनवाएंगे, हम आपसे 6 महीने बाद 3 महीने बाद पूछेंगे कि बच्चा आपकी प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई। आपको लगना चाहिए, आप हमारा नाम लें कि हम इस सर से पढ़े थे तो ये हमारे नोट्स बने हुए हैं हम इसलिए। बाकी अगर हटा के हम गुनाहगार हैं तो हम गुनाहगार होना अपने आप को पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 1813 देख लेते हैं, तो उम्मीद करते 1793 आ गया समझ ना, इसको मैं रब कर दूं ना, एक सेकंड। अब बात करते हैं हम लोग 1813 ईस्वी के राजलेख। इसमें क्या किया गया, देखिए ये राजलेख का मतलब आप क्या समझ रहे हो? भारतीयों को परेशान किया जा रहा है, भारतीयों को तो किया जा रहा है। जो इंग्लैंड की कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार करने के लिए आई थी, तो कुछ तो व्यापारी थे, तो सोचते थे हम व्यापार करेंगे, हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन इंग्लैंड के कुछ ऐसे व्यक्ति थे वो व्यापार नहीं कर रहे थे, यहाँ पे शासन करना चाहते थे, तो शासन के उद्देश्य से पूरा बनाने लगे सिस्टम। तो क्या हुआ, जो व्यापारी थे, सिंपल सी बात, जो शासन करने के उद्देश्य उनके उनके बीच में तकरार होने लगी, तो जो शासन वाले लोग थे वो लोग धीरे धीरे व्यापार को हटाना चाहते थे, और जो व्यापारी थे वो धीरे धीरे शासन सोचते थे इनको यहाँ पे प्रबुद्ध न स्थापित होने दिया जाए। लेकिन जो शासन करने के उद्देश्य आए थे तो इंग्लैंड से सारे कानून बन रहे थे, और 1853 तक जो कानून बन रहे हैं ये सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित होने वाले अधिनियम है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा राम योगी कह रहे हैं सर इस सीरीज में कहां तक कवर होगा? बच्चा मैं बता दूं, इस सीरीज में आपका मेंस चाहे पीसीएस लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जजेस स्टेट का पीसीएस, अगर आप पॉइंट से थ्योरी बनाने की क्षमता रखते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूं बस उतना ही नफ। चलिए 1813 ईस्वी का राजलेख क्या है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या किया मैं बता दूं। भारत में ईसाई मशीनरियों को बुलाया, ईसाई मशीनरियों, इसका मतलब क्या हुआ, ईसाई मशीनरियों का आगमन हुआ कहां पर, यह हुआ भारत में। क्लियर बात? ईसाई मशीनरियों का भारत में आगमन हुआ, क्यों हुआ पता है आपको? अंग्रेज लोग थे वो क्रिश्चियन धर्म के थे, भारत में क्या था, हिंदू मुस्लिम थे, ठीक। अब ये लोग क्या चाहते थे, भारतीयों को हम ईसाई बना दें, ईसाई के बारे में बताएं, उसका प्रचार प्रसार करवाएं, ठीक, ईसाई बना दें, उससे क्या होगा, भारतीय लोग थे वो चंद रुपयों के लिए भी काम करने लगेंगे, और जो व्यापारी थे वो ज़्यादा रुपए में जो प्रॉफिट ले रहा था वो उतना ही लेगा। तो ईसाई मिशनरियों को, देखिए मशीनरियों लिखे पड़े, मिशनरियों को, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे हिंदी गलत हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या था, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पेपर में प्रश्न बहुत आता है कि भारत में किस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मशीनरियों को भेजा गया, तो 1813 में। इसी प्रकार एक पेपर में प्रश्न याद रखना जीएस में, भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था, तो वो था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, दूसरा पॉइंट बहुत ही एक तरह से हंसने वाला है, क्या है, अंग्रेज जो थे उन्होंने भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, भारतीयों की
शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया। क्यों? क्योंकि अब ये चाहते थे कि भारतीयों को थोड़ी शिक्षा दे जाए, शिक्षित कर दिया जाए और ये लोग काम करेंगे हमारे लिए। क्लियर हो गई बात? तो दो पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा भी गया है। और बच्चों याद रखिएगा, आकांक्षा परिवार कह रहे हैं जो पुअर पीपुल को धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया था। यस, बिल्कुल सही आकांक्षा, यू आर राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मजा आ जाएगा हमें तो। उम्मीद करते हैं ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है, ये आया है किसका, नीतीश कुमार का। सर रिवीजन के लिए बुक भी प्रोवाइड करा दें सर, ठीक रहेगा? बेटा आप अपने एड्रेस दे दीजिएगा घर का, मैं आपको वहां पे बुक भेज दूंगा, ठीक है? आप उससे रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मैं अब तीसरा पॉइंट बता दूं, जो एकाधिकार था, जैसे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी ही भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते थे, ठीक? व्यापार का एकाधिकार समाप्त, किसका समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का समाप्त। किसके साथ? यह केवल समाप्त हुआ भारत के साथ। चीन और चाय का व्यापार का एकाधिकार उसी प्रकार चलता रहा। क्लियर है बात? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि व्यापार का एकाधिकार समाप्त। तो व्यापार का एकाधिकार पता क्यों समाप्त किया गया भारत के साथ? इसलिए क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उनको व्यापार से क्या कर दिया गया कि मोनोपोली सिस्टम वहां से समाप्त कर दिया जाए। तो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी हैं सबके लिए व्यापार के लिए अधिकार क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। लेकिन अभी भी यहां पर चीन और चाय पर एकाधिकार बना रहेगा जो 1833 के राजलेख में समाप्त होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने 1813 तक कंप्लीट कर लिया, जो हम लोग कल पढ़ेंगे शाम को 7 बजे, वो 1833 ईस्वी के राजलेख से समझेंगे अच्छे से। तो उम्मीद करते आपको क्लास का अच्छा लगा होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक पहुंचा दो ज्यादा से ज्यादा, जिसका छूट गया हो। फटाफट कमेंट करके कमेंट कर दो, हम देख रहे हैं अभी सब लोग भागे जा रहे हैं वहां। बिक्की साहू 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ये तो बच्चा बढ़ा ही दिया जाएगा जब 1833 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। हाँ आकांक्षा जी, क्या रिक्वेस्ट है आपके बेटा? कल आप सभी लोग शाम को 7 बजे लाइव आ जाइएगा, ठीक है? यस अंजलि जी, ये प्री मेंस एमपीपीएससी के लिए है लेकिन पॉलिटी है, ठीक है? सतानंद जी कह रहे 1781 का बता दीजिए थोड़ा सा, तो मैं बता दूं जो 1773 ईस्वी में कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए, जो एक्ट आया वो 1781 में संशोधनात्मक एक्ट या अबेंडिंग एक्ट आया, ठीक है? याद रखिएगा। किस टाइम पर कल पढ़ाएंगे, हेमा जी पूछ रही, शाम को 7 बजे, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा अगर आप कुछ भी हमें देना चाहते हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है और 1K आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? चलिए सभी को बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, और जैसा हमारा कोटेशन है, जय हिंद जय भारत।